टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि रोहित शर्मा का बदलाव हो सकता है। दोस्तों, इस समय की सबसे बुरी खबर आ रही कि भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में होने वाले तीसरे ओडीआई मैच में रोहित शर्मा बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये तीसरा ओडीआई मैच महामुकाबला है जहां पर टीम इंडिया जीतती है तो सीरीज जीतेगी और टीम न्यूजीलैंड जीतती है तो वो सीरीज जीतेगी, क्योंकि अभी तक एक एक से दोनों ही टीम्स बराबरी पर हैं और तीसरा महामुकाबला काफ़ी रोमांचक होने वाला है। टीम इंडिया की ओर से देखा तो ओपनर्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, शिखर धवन ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, लेकिन रोहित शर्मा के बारे में बताएं तो फर्स्ट ओडीआई मैच में रोहित शर्मा ने 20 रन बनाए थे और सेकेंड मैच में इन्होंने 7 रन बनाए। हालांकि इनका रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अजिंक्य रहाणे अभी भी बेंच पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये बयान मैं नहीं दे रहा हूँ, ये खुद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि टीम इंडिया के ओपनर्स उतनी अच्छी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, ऐसे में इनका बदलाव हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा का बदलाव किया जाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर कमेंट करें। आपको बता दें, रोहित शर्मा हर बड़े मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। धन्यवाद।